धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है उसके समर्थन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। कल से बहुत माननीय सदस्य इस विषय पर अपना विचार व्यक्त किए हैं, आगे भी करेंगे, और इस शुभ अवसर पर महामहिम जो ऐतिहासिक भाषण दिए, उनकी सरकार की जो सराहना उन्होंने की, उपलब्धि जिस प्रकार से उन्होंने सामने रखा, वो सबको प्रेरित किया है, पूरा देश को प्रेरित किया है। जो सरकार चल रही, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में जल, स्थल, अंतरिक्ष हर जगह देश का प्रभाव बढ़ रहा है। दुनिया में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह भारतीयों का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। देश में आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, चिकित्सा, हर दृष्टि में, हर क्षेत्र में देश की प्रगति हो रही है और देश के लोग खुश हैं। इसलिए इस सरकार की जो आगे का काम वो ठीक से चले। माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व हमारे लिए गौरवजनक है। इस प्रकार नेता दुनिया में शायद ही किस देश में कभी मिलता है। हमको इस प्रकार नेता मिला है और उनके हाथ पकड़ करके आगे देश बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश के समाज को बहुत कुछ दिया है, खाने पीने रहने की, खाना पकाने की, शौचालय से लेकर के मिसाइल तक सब दिया है, इसलिए देश खुश है। लेकिन महोदय, मैं बंगाल से आता हूं, एक सीमावर्ती प्रदेश है, सबसे ज्यादा समस्या अभी बंगाल में ही है। सीमा असुरक्षित होने के कारण 2225 किलोमीटर सीमा में अभी 1000 किलोमीटर जहां कोई बाढ़ नहीं, बेड़ा नहीं है, इसीलिए पार्श्ववर्ती देशों से लोग आकर हमारे देश में उत्पात मचाते हैं। वहां की सरकार नहीं चाहती कि ये बेड़ा, ये देश, इस राज्य सुरक्षित हो। इसीलिए मेरा कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उपलब्धि है वो काबिले तारीफ है, हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने समाज को बहुत कुछ दिया, उसके साथ बंगाल से हमारे लोगों के लिए जो सबसे बड़ी बात है ये नागरिकता कानून। महोदय, हजारों लाखों परिवार विस्थापित होकर के, प्रताड़ित होकर के अपने माँ बहनों के सम्मान और धर्म रक्षा के लिए बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से यहाँ आए हैं। महोदय, हमारे देश के हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, महात्मा गांधी से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हर पार्टी के, हर विचार के, हर सरकार के मुखिया लोग इन लोगों को नागरिकता देने के लिए वादा किया है, लेकिन किसी ने नहीं निभाया। हमारे पार्टी का प्रतिष्ठाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से आते हैं, वो इस देश की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिए हैं और इन रिफ्यूजियों के लिए जिंदगी भर सेवा किया। इन्हीं के अधिकार के लिए उन्होंने इस देश की जो पहली और मंत्रिमंडल थी डॉक्टर पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में, वहां से अपना पद को छोड़कर गए, उद्योग मंत्री का पद छोड़कर गए, क्योंकि इन रिफ्यूजियों का सम्मान और सुरक्षा उनके सामने सर्वोपरि था। महोदय, उन्हीं लक्ष्य को पूरा करते हुए माननीय मोदी जी ने इस ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस नागरिकता कानून और नागरिकता के लिए राह देख रहे थे, उनका सपना उन्होंने पूरा किया। महोदय, इन लोगों ने बांग्लादेश छोड़ करके या तो पाकिस्तान छोड़ करके देश में यहाँ के 2 रुपए चावल खाने के लिए नहीं आए, 2 रुपए आटा खाने के लिए नहीं आए, ना तो आवास योजना, ना तो शौचालय, ना तो गैस के लिए आए हैं। इन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को देश का स्वतंत्रता के लिए बलिदान के लिए भेजा था। इन परिवार के लोगों ने स्वतंत्र संग्राम में और कूद गए, फांसी में चढ़ गए, गोली खा गए, इसलिए इस देश स्वतंत्र हुआ। आज हम आजादी का आनंद ले रहे हैं। इसलिए महाशय, इन लोगों को नागरिकता देना इस देश का, इस राष्ट्र का एक जिम्मेदारी था, जिस जिम्मेदारी को हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी ने निभाया, इसलिए लोग रास्ता में उतर करके उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। महोदय, मोदी जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उनका सबसे बड़ा दान है इन रिफ्यूजियों को नागरिकता देना। यह ऐतिहासिक कदम है और इसीलिए इन लाखों परिवार ने युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी मोदी जी का याद करेंगे। महोदय, इस ऐतिहासिक कदम के कारण जो लाखों लोग दुनिया के किसी देश के नागरिक नहीं थे, ना तो बांग्लादेश, ना तो पाकिस्तान, ना तो अफगानिस्तान, ना तो भारत का, इस देश में रह रहे थे, लेकिन इस देश की नागरिकता का अधिकार उनको नहीं था, सम्मान उनको नहीं था, और रिफ्यूजी का स्टिकर लगा के घूम रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी अपमानित जीवन जी रहे थे, उनको एक सम्मानित नागरिकता मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों को उसमें तकलीफ हो रही है। उन लोगों, जब जम्मू कश्मीर में हिंदू पर अत्याचार होता है तो बंगाल में कोई रैली नहीं निकलती है, कोई धरना नहीं होता है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होती है, कोई रैली नहीं होती है।
जब पाकिस्तान में हिंदू का अत्याचार होता है, कोई शाहीनबाग नहीं होता है, ना तो बांग्लादेश में हिंदू का अत्याचार होने से कोई पास आकाश में जमावड़ा या तो सर्कस होता है जो हम आज देख रहे हैं। विदेशी पैसा से विदेशी बिरयानी आ रहा है, उसमें मस्ती कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग देश में हैं जो घोर निंदनीय है। इस देश की स्वाभिमान अस्मिता का ऊपर चोट है। मित्रों, महोदय, ये जो नाटक चल रहा है, इस नाटक का हम विरोध कर रहे हैं, ये नहीं चलना चाहिए। इसीलिए जिन लोगों ने कलकत्ता के रास्ते में जुलूस निकाल करके हाय हाय सीए कर रहे हैं, गो बैक सीए कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूं। जब लाखों परिवार रात के अंधेरे में बांग्लादेश से यहां आ रहे थे, आप क्यों नहीं जुलूस निकाले? क्यों नहीं जुलूस निकाले उनका नागरिकता के लिए? क्यों नहीं जुलूस निकाले वहां उनका ऊपर अत्याचार बंद करने के लिए? आज आप इस संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका आधार लेकर संविधान को अपमान कर रहे हैं। इसलिए ये जो ऐतिहासिक कानून बना है, इन लाखों परिवार के लिए एक उनके लिए राहत का सांस है, और इसलिए सरकार को अभिनंदन करने के लिए हम वहां रैली निकाल रहे हैं। महोदय, हमको रैली करने का, सभा करने का, प्रधानमंत्री को अभिनंदन करने के, कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। जहां घोषणा करते हैं पुलिस मना करती है, उल्टा वहां 144 धारा जारी करती है कि हम कार्यक्रम ना कर पाए। और हम जहां जाते हैं हमको कानून का उल्लंघन करना पड़ता है हमारे अधिकार को और जताने के लिए, प्रधानमंत्री को अभिनंदन करने के लिए। कितनी विडंबना है, हमारे पास समाज है, हमको कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। जिनके पास कार्यकर्ता लोग नहीं है, आदमी नहीं है, समर्थन नहीं है, वो रैली कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, कितनी विडंबना है। देखिए, ये तो ऐसे ही हो गया, गधा घोड़ा को ना मिले घास और गधा खा रहा है चपनप्राश। ये स्थिति है देश में। बड़ी दुख होती है हमको बोलने के लिए। जो यहां हमको डेमोक्रेसी सिखा रहे थे उनको मैं बोलना चाहता हूं, हमारे वहां डेमोक्रेसी क्या होती है? वहां दूसरी सबसे बड़ी दल हमारी पास है। 2,30,00,000 लोग हमको वोट दिए हैं, हमको कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं, हमको रास्ता में उतरने की अनुमति नहीं, हमको सभा करने की अनुमति नहीं है। और जिसको कोई जानता नहीं है, चार आदमी साथ नहीं उसको अनुमति है। हमारे चीफ मिनिस्टर पूरा देश में घूम घूम के सभा कर रही है, विरोध कर रही है। चार आदमी जहां नहीं उत्तर प्रदेश वहां भी कर रही है, कोई मना नहीं किया, कोई नहीं रोका, और हमको रोका जा रहा है। हमारे नागरिक अधिकार को, गणतांत्रिक अधिकार को, अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। महोदय, ये बड़ी दयनीय स्थिति है। यहां एमपी है जो यहां जिनके नाक के सामने ये कानून पारित हुआ है, ये कानून में चर्चा में भाग लिए हैं, और महामहिम के दस्तखत के कारण ये कानून आज संविधान का एक हिस्सा बन गया है। और यहां जो संविधान का और शपथ लेते हैं और कलकत्ता में चौरा में जाकर के हाथ ऊंचा करके वहां शपथ लेते हैं कि हम कानून लागू होने नहीं देंगे, इस कानून को हम नहीं मानेंगे, ऐसा कैसा हो सकता है? सांविधानिक पद्धति से जीत के आए हुए व्यक्ति संविधान को अवहेलना करता है। वहां विधानसभा में सांविधानिक कानून का ऊपर निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, ये सरासर संविधान का उल्लंघन है, इसकी निंदा होनी चाहिए। संविधान में, इस देश में किसी का अधिकार नहीं है। यहाँ जिन लोगों ने संविधान बोल रहे थे, सेफ डेमोक्रेसी हमको प्लाकार्ड दिखा रहे थे, मैं उनका बोलना चाहता हूँ, संविधान को बेइज्जत किसने किया है? कांग्रेस ने तो इसको कागज का पुलिंदा बनाकर रख दिया है। संविधान का सम्मान कहाँ है? इतने दिन से 72 साल से संविधान को जैसा चाहे वैसा उन्होंने यूज किया है। और वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने कभी सम्मान नहीं किया। ना संविधान चाहते हैं वो, तो अराजकता चाहते हैं। आज भी देश में जहां कम्युनिस्ट है वहां अराजकता है, जहां अराजकता है वहां पीछे कम्युनिस्ट है। विदेशी विचार, विदेशी प्रोत्साहन, विदेशी पैसा लेके देश में उत्पात मचाना इनकी धर्म हो गई है। और जो टीएमसी पार्टी हमारे वहां, वो कहां है और संविधान कहां है? दूर दूर तक संविधान के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारे वहां सांविधानिक जो प्रमुख है, महामहिम राज्यपाल, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है? उनको रास्ता में खड़ा होकर काला झंडा दिखाया जाता है, गवर्नर गो बैक बोला जाता है, और कौन सत्ताधारी पार्टी के लोग रास्ता में गवर्नर को काला झंडा दिखाते हैं, गाड़ी पर थप्पड़ मारते हैं, उनको अपमान करते हैं, उनका मंत्री, मुख्यमंत्री उनके उन पर अपशब्द बोलते हैं। वो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, आप समझ सकते हैं, चांसलर को वहां कॉन्वोकेशन में निमंत्रण नहीं है, ये हिंदुस्तान में हो रहा है। और वो जाते हैं तो उनको गो बैक स्लोगन, उनको काला झंडा, ये हमारे डेमोक्रेसी में कहां है? संविधान ने अधिकार किसी को दिया है क्या? ये हमको देखना पड़े। और रोज की घटना है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जैसे बहुत पुराने और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, उसमें उनको एंट्री नहीं है। वो गए कॉन्वोकेशन में, सारा विद्यार्थियों को उनके पीछे लगा दिया गया, 1 घंटा शाउटिंग हुआ, नाराबाजी हुआ, काला झंडा दिखाया गया, मजबूरन उनको वापिस आना पड़ा उसका शांति के लिए। ये है वहां की डेमोक्रेसी, ये है संविधान की सम्मान। महोदय, हम एमपी हैं, 7,00,000 लोगों ने हमको वोट दिया है, वहां के डीएम हमसे मिलती नहीं है, हमको अपॉइंटमेंट नहीं देती है,
और मैंने मेरे साथ जितने बैठे हुए पूछिए एमपी को, वहां के एसपी और डीएम हमसे मिलते नहीं है, ये अधिकार उनको किसने दिया है? समाज हमको दिया है, हम संविधान और लोकतंत्र हमको अधिकार दिया है, हम लोगों का प्रतिनिधि बन के यहाँ आए हैं और वहां की सरकारी ऑफिसर हमको मिलता नहीं, बात नहीं करते हैं। वहां के डीएम दिशा कमेटी बनाता नहीं है, दिशा कमेटी की मीटिंग नहीं होती है, क्योंकि हम वहां डिसाइड करेंगे हमारे जीते हुए प्रतिनिधि। समाज जिसको स्वीकृति दिया है, समाज जिसको सम्मान दिया है, चुना है, उसको अधिकार नहीं देंगे आप? मैं विधायक रहते समय दो हॉस्पिटल का और रोगी सहायता समिति का मैं चेयरमैन था, दो तीन बार मीटिंग लिया, वहां का डाटा लेके मैं हेल्थ मिशन में बताया कि ये होना चाहिए, दूसरे दिन हमको दोनों से हटा दिया गया, दोनों कमेटी से हटा दिया गया। उसके पहले तक पदाधिकार बल में एमएलए वहां के चेयरमैन होते थे और मैं होते ही सारा कानून बदल गया। महोदय, हम सरकारी एक प्रतिनिधि है, हमको कहीं सर्किट हाउस नहीं दिया जाता है, सरकारी गेस्ट हाउस में हमको रहने के लिए जगह नहीं दिया जाता है, कोई सरकारी अनुष्ठान में हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है, ना तो एमएलए ना तो एमपी। ये अधिकार किसने दिया है इन लोगों को? महोदय, और मजेदार बात है, सुनेंगे तो आप तरस जाएंगे, एक एक मेला का उद्घाटन था, ग्रामीण मेला, चलाने वाले टीएमसी के लोग, वहां के वरिष्ठ विधायक, वहां प्रमुख कार्यकर्ता, वहां के संरक्षक थे, और मैं जीतने के बाद मुझे वहां के चीफ पैट्रन बनाया गया, गलती कर दिया मैंने, उद्घाटन में पहुंच गया, वहां के विधायक वहां बैठे थे, मेरे बगल में बैठे सीनियर सज्जन व्यक्ति, मैंने नमस्ते किया, थोड़ी सी बातचीत की, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं वहां से निकला, दूसरा स्कूल का प्रोग्राम में गया, एक घंटे के बाद मेरे पास खबर आया, उस विधायक को टीएमसी ने शोकत कर दिया। कारण क्या है? दिलीप घोष के साथ क्यों बात किया, एक लाइन में क्यों बैठा, क्यों मंच सजा किया? आप समझ सकते हैं, ये राजनीति है, ये हमको डेमोक्रेसी सिखाते हैं, संविधान दिखाते हैं, ये अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी हमारे देश के राजनीति में कोई जगह नहीं इसकी। लेकिन आज यही राजनीति चल रही है बंगाल में, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ा है कि ये स्थिति वहां की है। आप आश्चर्य होंगे, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास रहा हमारे बंगाल में, वो जिस रास्ता से जाने वाले थे वहां जगह जगह काला झंडा लेके लोग खड़े हो गए, प्रधानमंत्री गो बैक। आप समझ सकते हैं, देश के सबसे यशस्वी और सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में जिसका सम्मान है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देश खड़ा रहता है रेड कार्पेट बिछा करके मोदी जी को स्वागत करने के लिए, उनको गो बैक। कौन सा प्रदेश में बंगाल में जहां से वंदे मातरम और जय हिंद आया है? कहां? पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी की बात हो सकती है? वहां प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उद्घाटन कार्यक्रम में, उनको काला झंडा दिखाया जाएगा, गो बैक बोला जाएगा? ये विरोधी का सम्मान है क्या? महोदय, और मजेदार बात है, वहां तो रोहिंग्या आते हैं म्यांमार से, उनको कोई गो बैक नहीं बोलता है, बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, उनको गो बैक नहीं बोला जाता, उनको वेलकम बोला जाता है, क्योंकि वो वोटर है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का गो बैक, गवर्नर का गो बैक होता है। ये आज की बंगाल की स्थिति है महोदय, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, ये स्थिति चल रही है। कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है देश का विरोधिता कैसे करना है, देश विरोधी कैसे बनना है। वहां जगह जगह लोग बैठ करके धरना कर रहे हैं, 4, 6, 10 लोग आजादी आजादी की गाना गाते हैं। लेकिन मुसीबत तब आई जब चीफ मिनिस्टर इनको उकसा रही थी कि करो करो, गलती से इन बेचारों ने चीफ मिनिस्टर को भी गो बैक बोल दिया। यह भी देखना पड़ा हम लोगों को, बड़ी दुखी हो गई। अमित भाई, एक दिन तो होना ही था, जल्दी हो गया, अच्छा है कि कम से कम ज्ञान आ जाए आपको। महोदय, ये स्थिति है, ये जो कानून पास हुआ यहां, हम यहां से वापिस कलकत्ता गए और देखे वहां आग जल रहा है पूरा प्रदेश में, रेल की पटरियों को उखाड़ उखाड़ कर फेंका गया, आप कल्पना कर सकते हैं, ट्रेन को फूंका गया, बस को फूंका गया, एक से एक स्टेशन फूंका गया, सारा देश में जितना नुकसान हुआ 500-600 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल में हुआ है। महोदय, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान बंगाल में हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य, इन शिखंडियों की सरकार है, वहां पुलिस खड़ी की खड़ी रह गई, ना एक डंडा चलाया, ना एक एफआईआर हुआ, गोली मारना तो दूर की बात है, और हम इसका विरोध किया तो हमको बदनाम किया जा रहा है। हम इसको विरोध किया, हम एक देशभक्त हैं, हमारे एक एक पैसा से ट्रेन बस खरीदा जाता है, लाइन बनती है, स्टेशन बनता है, हमारा पैसा को बर्बाद होते हम नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हमने विरोध किया। और हमारी भाषा को लेके, हमारी बात को लेके बवंडर खड़ा किया गया, वहां हमारे ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। अरे, आप लोगों की तो हिम्मत ही नहीं है देश विरोधी के साथ लड़ने के लिए। और हम वो लोग हैं, हमारे पूर्वज, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के शत्रुओं के खिलाफ लड़ा है, देश की अखंडता के लिए बलिदान दिया है। आप तो खाली मजा मार कर इस सत्ता उपभोग करके और यहाँ की, और आप रबड़ी खा रहे हैं सत्ता की, और हम तो अपना खून
से सींचने वाले हैं, इस देश को आजादी को सींचने वाले हैं, देश को सींचने वाले हैं। जब बंगाल और पाकिस्तान में आग जल रहा था, किसी की हिम्मत नहीं, समा प्रसाद मुखर्जी गए। जब कश्मीर में आग जल रहा था, हथेली में जान लेके गए लोगों का मना करने के बाद भी, और देखते देखते जान गवा दिए, वो शहीद हो गए। इसीलिए आज कश्मीर में कश्मीर भारत के साथ आया, और बचा कुचा जो था उनका योग्य जो उत्तर सूरी मोदी जी महाराज ने इसको पूरा कर दिया, पूरा देश के साथ विलय कर दिया 370 इसको हटा करके। इसीलिए महोदय आज हम ऐसा एक राज्य में रह रहे हैं, लगता है हम देश में हैं, लेकिन हम देश में नहीं है। बंगाल में हर चीज अनोखा होता है, संविधान से बाहर, डेमोक्रेसी से बाहर, परंपरा से बाहर, वहां से लोग जाके देश में कहीं भी हंगामा कर सकते हैं, लेकिन आप वहां किसी प्रकार विरोध जता नहीं सकते, आपकी बात नहीं कर सकते हैं। अभी विधानसभा में सीए के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया, हमने डिवीजन मांगा, स्पीकर ने डिवीजन तक नहीं दिया है। अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है, बाहर भी डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी ढूंढते हैं सब जगह, लेकिन बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, घोर निंदनीय है ये। इसलिए महोदय यहाँ बड़े बड़े दिलीप जी किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में यहाँ वक्तव्य नहीं देते हैं। महोदय हटा यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, ऐतिहासिक भाषण हुआ, प्रेरणादायी भाषण हुआ, हम बैठे बैठे टेबल बजा रहे थे, सुन रहे थे, प्रेरित हो रहे थे, और कुछ लोग वहां से आकर हाथ में प्लाकार दिखा रहे थे, नो सीए, नो, अरे नो टीएमसी, नो कांग्रेस, नो सीपीएम। आज क्या काल का भारत ऐसा होगा, लोग बोलेंगे नो कांग्रेस, नो सीएमसी, नो सीपीएम। इसलिए महोदय आज हम वहां की आवाज यहां पहुंचाते हैं। जिस देश से वंदे मातरम की आवाज आई थी, जिस देश से जय हिंद की नारा लगी थी, जिस देश के सैकड़ों हजारों नौजवान देश के लिए आजादी के लिए जान दिए थे, आज वहां फिर आजादी मांगा जा रहा है। किस बात की आजादी मांगते हैं आप, किस बात की आजादी मांगते हैं? इसीलिए जिन लोगों ने एक दिन इन लोगों को धोखा दिया, जिन्होंने राष्ट्रभाव से प्रेरित होकर कांग्रेस को लाया था, आज कांग्रेस की दुर्दशा की दो ही सीट मिली है। जो कम्युनिस्टों ने परिवर्तन का नारा लगा कर लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने की वादा किया था, उन्होंने धोखा किया, तो एक समय 36 सीट चार्ज के जीरो हो गया है। बाकी का भी शुरू हुआ है, हाफ हुआ है, अगले चुनाव में साफ करेंगे। इसी शब्दों के साथ सबको धन्यवाद।